हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गति किसे कहते हैं, गति का परिभाषा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि भैया गति के कितने प्रकार होते हैं। तो गति के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक है जो असमान गति और दूसरा है सामान्य गति। तो इन दोनों का परिभाषा क्या होता है एग्जाम्पल से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया गति अर्थात मोशन किसे कहते हैं। तो यदि हम सबसे पहले गति या मोशन पे बात करें कि भैया गति कहते किसे हैं, तो गति के याद रखेंगे यदि हम इसके केवल परिभाषा पे बात करें तो भैया गति का मतलब होता है कि मान लेते हैं अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं स्थिर खड़ा हूँ, ठीक है, स्थिर हूँ कि नहीं। अब भैया मैं यहाँ पे चला आया तो मैंने गति करके ही ना आया, तो सबसे पहले मैं जहाँ पर स्थित था मैंने अपने स्थिति में परिवर्तन किया। सबसे पहली पॉइंट कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, दूसरी पॉइंट कि भैया समय लग रहा है। जब मैं यहाँ पे था और मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो कुछ ना कुछ तो समय लगा ना। तो पहली बात कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और दूसरी समय लग रहा है। तो हम इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही कहते हैं कि जब किसी वस्तु को, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समझ में आया। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको फिगर से समझाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे भैया कि इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने लिख दिया है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब हम समझते हैं, ये मान लेते हैं कोई रास्ता है, समझिएगा ये कोई पथ है या रास्ता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति है और ये यहाँ पर स्थिर है, ठीक है, यहाँ पर स्थिर है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर स्थित था, अब ये यहाँ से चला आया यहाँ पर, समझिएगा ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चला आया। तो सबसे पहले ये स्थिति में परिवर्तन आपका किया, ठीक है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। तो स्थिति में क्या हुआ भैया, परिवर्तन हुआ कि नहीं, स्थिति में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात कि मान लेते हैं यहाँ पर जब था ये, तो मान लेते हैं 10 बज रहा था, ठीक है, 10 बजे यह यहाँ पे था। अब भैया यहाँ से यहाँ पर जब आया ना तो भैया 11 बज रहा है, ठीक है, 11 बज रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समय में भी परिवर्तन हुआ। क्या भैया, समय में परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं। तो दो बात हमने समझा, पहला स्थिति में परिवर्तन, दूसरी बात समय में परिवर्तन। तो हम यही ना कह रहे हैं कि समय के साथ स्थिति में, मतलब समय के साथ किसी वस्तु की या किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो आशा करते हैं भैया आपको गति का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया गति के कितने प्रकार होते हैं। तो भैया गति के दो प्रकार होते हैं, तो मैं कहूँ टाइप्स ऑफ मोशन या गति के प्रकार। तो भैया क्या याद रखेंगे कि गति के कितने भैया, गति के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने भैया, दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब भैया वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं समान गति, ठीक है। तो समान गति किसे कहते हैं, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो भैया सामान्य गति का मतलब होता है कि सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, उसे हम सामान्य गति कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु ही ना गति करेगा भैया, तो किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो उसे हम सामान्य गति कहेंगे, ठीक है। तो इसका पहले डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा, ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करता है उसे समान गति कहते
है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन लिख दिया है किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी। देखिएगा, सामान्य समय में फिर से क्या हो रहा है, सामान्य दूरी तय कर रहा है, तो उसे हम सामान्य गति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, यदि मैं फिगर से आपको समझाऊं तो समझिएगा, ये कोई पथ है, ये कोई रास्ता है, और इस रास्ते पर मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम ऐसे बना ले रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा, ये मान लेते हैं यहाँ पर 5 किलोमीटर की ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, फिर से ये भी 5 किलोमीटर की, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5, मतलब 5-5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये दूरी क्या है मतिया, ये दूरी है जो सामान्य है, सामान्य दूरी है कि नहीं, 5-5 किलोमीटर है ना, तो दूरी क्या है, सामान्य है। अब भैया समय मान लेते हैं, ये पिंड, ये जो व्यक्ति है ये यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो इसको 10 मिनट लगा, फिर से ये यहाँ से यहाँ तक गया तो फिर से इसको 10 मिनट, फिर से 5 किलोमीटर चला तो 10 मिनट, फिर से 5 किलोमीटर चला तो 10 मिनट, मतलब क्या लग रहा है, जो समय भी है ना, समय वो भी क्या लग रहा है, वो भी सामान्य लग रहा है। तो हम यही ना कह रहे हैं भैया, हम यही ना कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, मतलब किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, तो उसे हम सामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं असामान्य गति। ठीक है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, असामान्य गति। तो दूसरा हम देखते हैं असमान गति। तो भैया असामान्य गति का मतलब होता है जस्ट इसके अपोजिट। इसमें हमने क्या कहा, सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, परंतु इसमें क्या होगा, सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करेगा, तो उसे हम असामान्य गति कहेंगे। मतलब हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा द्वारा सामान्य समय में असमान दूरी तय करता है, उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए सामान्य समय तो सामान्य होगा, परंतु दूरी क्या होगा, असामान्य होगा, तो उसे हम असामान्य गति कहेंगे। जैसे कि मैं यदि एग्जांपल से ही समझाऊँ इसका भी, तो मान लेते हैं ये कोई रास्ता है, यहाँ पर कोई ये व्यक्ति है। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर है, फिर से यहाँ तक मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर है, फिर से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये भैया 7 किलोमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं फिर से कि ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऐसे हमने मीटर मान लिया, मतलब दूरी देख रहे हैं अलग अलग है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जो दूरी है, दूरी असामान्य है, देख रहे हैं सभी का असामान्य है कि नहीं, ये 5 किलोमीटर, ये 10, ये 7, ऐसे। अब भैया मान लेते हैं जो समय लग रहा है ना, यहाँ से जब व्यक्ति चलना चालू किया यहाँ पर आया, तो इसको मान लेते हैं कि इसको लग रहा है 10 मिनट। ठीक है, तो 5 किलो चलने में 10 मिनट, फिर से 10 किलोमीटर चल रहा है फिर भी 10 ही मिनट लग रहा है, फिर से यहाँ पर भी 7 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट, फिर से 3 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट, मतलब दूरी जो लग रहा है, दूरी सभी में सामान्य है, 10 10 10 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी, सॉरी जो समय है ना, समय क्या लग रहा है, सामान्य लग रहा है। तो हम तो यही ना कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा, हम यही ना कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है, उसे हम असामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल से और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको क्या करना है, उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। जैसे कि मान लेते हैं आपको गति ही नहीं समझ में आ रहा था, तो आप क्या लिखेंगे, गति ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ना परिभाषाओं को समझ सकते हैं और समझ कर याद कर सकते हैं, ना कि रट्टा मारकर। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 8874
7260 58। यदि आप चाहें तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और इस नंबर पे हमें मैसेज करके किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यदि मान लेते हैं आपको क्लास 9th का ही पढ़ाई करना है, तो आप इस पे क्या लिखेंगे, क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और मैं यही कहूँगा कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा आप भी जाकर इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।